2026 लोकसभा चुनाव के कुछ ही दिनों बाद लोकसभा और विधानसभा उपचुनाव में मोदी की पार्टी बीजेपी को बड़े बड़े झटके लगने लगा। जी हाँ दोस्तों, कश्मीर और हरियाणा में विधानसभा चुनाव चल रहा है। सूत्र के मुताबिक इन दोनों राज्यों में मोदी की पार्टी की हार एकदम लगभग तय है। अब इसके बाद महाराष्ट्र और झारखंड में उपचुनाव होने वाला है। जनता का कहना है वह भी भाजपा के जीतने की अब कोई संभावना नहीं दिख रही है और इस साल के अंत के बाद कुछ और राज्यों में चुनाव होने वाले हैं। सूत्र के मुताबिक अब वह भी अब अच्छे परिणाम की कोई गारंटी ये भाजपा वाले खुद नहीं दे सकते। दूसरे शब्दों में कहते तो पिछले लोकसभा चुनाव के बाद मोदी शाह के नेतृत्व में आरएसएस बीजेपी के एकदम जिसे कहते हैं ना बुरे दौर, वो बुरे दौर शुरू हो गया है। इससे निकलने के लिए मोदी सरकार अनावश्यक और अवास्तविक मुद्दे पर बहस कराकर देशवासियों की ध्यान दूसरी तरफ भटकाने की एक काला कोशिश कर रही है। चुनाव नज़दीक आते ही मोदी शाह की और इनका जो नॉनटेंकी वाला जो नाटक है, जो आश्चर्यजनक नाटक जो कहता है जनता ने, वो इन दोनों के दिमाग में याद आ जाता है। इनका सोच है अगर चुनाव में मुख्य मुद्दे से जितना हो सके जनता का ध्यान भटकाया गया तो लोगों की बेरोजगारी, महंगाई, किसानों की समस्या और जीविका जैसी समस्या के बारे में जनता को ज़्यादा सोचने का मौका नहीं मिलेगा। और अंत में क्या होगा दोस्तों, आपको तो पता ही है, अंत में बीजेपी और आरएसएस को इसका जो पूरे फायदा होता है ना, वो फायदा इन दोनों टीम को होगा। इसलिए वो दोनों मिलकर कई इन्वेस्टिगेशन और गणना के बाद स्थिति मापने के लिए एक देश एक वोट इस नाम का एक अवास्तविक कल्पना को बाजार में उतार दिया। एकदम सही सोच रहे हैं दोस्तों आप लोग। 2014 में से सत्ता में आने के बाद से मोदी शाह की जोड़ी इन दोनों की सबसे बुरे दौर अब शुरू हो गया है। पिछले लोकसभा चुनाव में 400 से अधिक सीट जीतकर आने की एक काल्पनिक सपना आरएसएस और बीजेपी ने देखा था। उनको लगा फिर एक बार अनूठी मिसाल कायम होगा देश में, लेकिन देखिए देशवासियों ने वो सपने में क्या कहते हैं ना पानी, वो पानी फेर दिया। देश की जनता ने उसे पूर्ण बहुमत से कोसों दूर 240 सीट के अंदर अटका दिया। अब दोस्तों भले ही मोदी तीसरी बार इस देश की प्रधानमंत्री बने हैं, लेकिन अब उन्हें कुछ भी करने के लिए अपने सहयोगियों के साथ उसके कंधों में हाथ रखकर खड़ा होना पड़ता है। और इसका फलस्वरूप बीजेपी आरएसएस का जो अहंकार है वो चूर चूर हो गया। अब उन्हें
साथी दलों के नेताओं का जो चेहरा है वो देखकर पार्लियामेंट में और उनके बाकी जो सेंट्रल जगह है उनमें जाकर उनसे मुंह मिलाकर बात करनी पड़ती है। यही नहीं, जब वो फैसला लेता है वो फैसले लेने के आगे भी उनको देखकर फैसला लेना पड़ता है। मोदी का वो अहंकार, वो जादुई छवि, वो लोकप्रियता अब नहीं रही दोस्तों। एकदम सही है, ऐसे में अगले चुनाव और 5 साल बाद होने वाले लोकसभा चुनाव में मोदी को वोट मिलने की संभावना दूरबीन से दिखना पड़ेगा, क्योंकि ये संभावना बहुत कम है कि 5 साल बाद वो फिर आएंगे, उनको वोट देंगे जनता। इसलिए अब नए नए आश्चर्य और अद्भुत विषय पेश करके असली जो चर्चा है, असली जो मुद्दों है, उन मुद्दे से जनता को भटकने के लिए उनके नई नई विकल्प तरीके मौजूद है और वो तरीका जनता को भटकाने के काम करेगा। एक देश एक वोट, कितना आश्चर्य बात है ना दोस्तों। एक देश एक वोट का नारा एक दशक पहले भारत की यूनिटी और लोकतांत्रिक व्यवस्था के संवैधानिक ढांचे को नष्ट कराने के लिए आरएसएस और भाजपा ये दोनों सहयोगी ने ये द्वारा शुरू किया था। जी हाँ दोस्तों, ये दोनों टीम का ही खेल है। ये एक देश एक वोट आरएसएस द्वारा प्रवर्तित एक देश एक धर्म एक भाषा, यही नहीं एक संस्कृति, एक पार्टी और एक नेता, एक सरकार, ये उन दोनों टीमों का अभिन्न अंग है। दोस्तों समापन शब्दों में एक देश एक वोट से एक अति राष्ट्रवादी और सत्तावादी तानाशाह की छवि ही देशवासियों के सामने स्पष्ट हो जाती है। अनेक जातियों वर्गों धर्मों समुदायों संस्कृतियों भाषाओं वाले देश भारत में कोई एकता या एकजुटता ये यांत्रिक रूप से विकसित नहीं की जा सकती। इस देश में अनेकता में सामंजस्य ही एकता या एकजुटता का आधार है और भारत का संवैधानिक ढांचा में उसी बुनियाद पर काबिल जो है ना वो वही पर ही बना है और इसी बात से ही लोकतांत्रिक शासन जो है इस देश का वो कायम है। दोस्तों इंडिया के संविधान केंद्र और राज्य सरकारों की जो शक्तियां है जो कार्य है उन दोनों चीज़ों को अलग अलग करके पेश करता है। इस देश की जनता लोकसभा और विधानसभा ये दोनों चुनाव में बिल्कुल अलग अलग मुद्दे पर वोट करते हैं। हर राज्य का एक अलग अलग चरित्र होता है, वहाँ अस्तित्व की रक्षा कर लोकतंत्र का पर्व मनाया जाता है। इसलिए हर चीज़ को एक सोच में नहीं रखा जा सकता। इस देश में ये एक देश एक वोट ये जो प्रस्ताव है देश की हिंदुत्व की राजनीति के जाल में फंसाने के लिए आरएसएस ने इसको शुरू किया था। एक दलीय इस तानाशाही इस लक्ष्य को देश की जनता
कभी हासिल नहीं करने देंगे, यही हमारे सोच है। आपका क्या सोच है दोस्तों, प्लीज़ वीडियो में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। जय हिंद।